नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हम झालमुड़ी भेलपूरी भी कहते हैं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और ये हम घर पे किसी समय भी बना के खा सकते हैं। मैंने बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स के साथ इसे बनाया, तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने मूढ़ी लिए, इसे हम मुरमुरा भी कहते हैं, चनाचूर लिए हैं, नींबू बारीक कटा हुआ, टमाटर, थोड़ा सा अचार का तेल, हरी मिर्च बारीक कटा हुआ और प्याज बारीक कटा हुआ लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए यहाँ मैं हरी मिर्च इसमें डाल दूंगी, प्याज डाल दूंगी, टमाटर, चनाचूर, अचार का तेल। अचार का तेल डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, आप इसे एक बार इस तरह से जरूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा यहाँ पे काला नमक डालेंगे, नींबू डालेंगे, अगर आप नींबू नहीं डालना चाहते तो नहीं भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरी धनिया के पत्ते डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, मार्केट में जिस तरह हम लोग झालमुड़ी खरीद के खाते हैं ना, उससे भी ज़्यादा टेस्ट इसमें आएगा। आप एक बार इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये लीजिए, हमारा झालमुड़ी बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए।